नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सीआईईटी एनसीईआरटीज लाइव फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम। मैं हूं तन्वी खुराना। सोशल साइंस का ये कार्यक्रम लेकर हम आ गए हैं। इस कार्यक्रम में हम नवी कक्षा के सभी छात्र हमारे साथ पढ़ेंगे और जिस टॉपिक पर बातचीत होगी वो होगा हिस्ट्री एंड स्पोर्ट्स, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। अब बच्चों ने क्रिकेट ज़रूर देखा होगा और आप सभी के फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन्स, फेवरेट क्रिकेटर्स भी ज़रूर होंगे, तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो बता सकते हैं। और क्रिकेट की जो हिस्ट्री है या स्पोर्ट्स की जो हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ भी पूछना चाहें, जानना चाहें, तो हमारे मेहमान के पास सभी जवाब हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, चाहें तो नंबर है 8800440559। और इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 9 पर। तो आपको बताना चाहेंगे, हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, आइए परिचय करवाएंगे मिस्टर आदित्य विश्वकर्मा से। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर। सर हैं XTGT केंद्रीय विद्यालय संगठन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, और सर से पूछेंगे हम बहुत सारे सवाल और आप भी अपने सवाल हम तक ज़रूर पहुँचाइए। अगर आप ईमेल करना चाहें तो ईमेल आईडी होगा dth.class9@cieet.nic.in। मैं हूं तन्वी खुराना। आइए बातचीत शुरू करते हैं और समझते हैं इस चैप्टर में जो कि है हिस्ट्री एंड स्पोर्ट्स द स्टोरी ऑफ क्रिकेट, उसमें आज हम क्या सीखने वाले हैं सर। ओके, तो हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें हम रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, फूड हो गया, म्यूज़िक हो गया, मेडिसिन, लिटरेचर, कई सारी चीज़ें हम अपनी रोज़मर्रा लाइफ में करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हमें दिमाग में कभी ये आना चाहिए कि इसके भी पीछे क्या हिस्ट्री हो सकती है। क्या अगर कोई चीज़ डेली लाइफ में है तो क्या उस चीज़ की भी हिस्ट्री हो सकती है? ऑफकोर्स हो सकती है। तो इस चैप्टर में हम क्रिकेट की हिस्ट्री जानने वाले हैं, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट, और कहाँ ये इमर्ज हुआ, आज क्यों T20, T10, वन डे, टेस्ट क्रिकेट, इतने सारे फॉर्मेट हैं, और इंग्लैंड में ये इमर्ज हुआ, इंग्लैंड में इमर्ज होने के बाद इंडिया में लोग आज क्यों इतना पसंद कर रहे हैं, इस सब के बारे में हम आज जानेंगे। राइट, मुझे लगता है बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इस प्रोग्राम में, क्योंकि क्रिकेट आजकल सब लोग देखते हैं, बच्चे भी बड़े भी। सर, हर स्पोर्ट्स के एक कुछ रूल्स होते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, कुछ कुछ रूल्स होते हैं जो सभी को नहीं पता होते। क्या आप थोड़े से हाईलाइट्स बताना चाहेंगे? ओके श्योर मैम। एक्चुअली आज जो भी रूल्स हैं इसके भी पीछे एक हिस्ट्री रही है। एक्चुअली हम ऐसे देख सकते हैं कि ये क्रिकेट बाकी सारे गेम से डिफरेंट है। इसके जो रूल्स हैं वो बाकी जैसे फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, अदर स्पोर्ट्स हो गया, इससे क्यों डिफरेंट है ये भी हम जान लेते हैं। रूल्स तो हम जानेंगे ही जानेंगे, रूल्स में डिफरेंस क्या है ये भी हम जानते हैं। जैसे कि पैक्यूलैरिटीज ऑफ टेस्ट क्रिकेट इज दैट अ मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days एंड स्टिल एंड इन अ ड्रॉ, मीन्स 5 दिन तक ये मैच चल सकता है और फिर भी ड्रॉ हो सकता है। बाकी फुटबॉल एंड हॉकी हैं ये 90 मिनट्स में ख़त्म हो जाते हैं गेम। और एक स्पेशलिटी इसकी ये है कि लेंथ ऑफ द पिच तो डिसाइड होती है 22 yards, स्टम्प्स की भी लेंथ डिसाइड होती है, बेल्स की भी लेंथ डिसाइड होती है, लेकिन ग्राउंड कैसा रहेगा, उसका शेप कैसा होगा, साइज क्या होगा, ये कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता। तो हम रूल्स अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट 1744 में आए थे। स्टम्प्स थे 22 इंचेस के, बेल्स अक्रॉस देम वाज 6 इंचेस, और जो बॉल का वेट था वो 5 and 6 ounces के बिटवीन था, और जो स्टम्प्स जो दोनों साइड के थे वो 22 yards अपार्ट थे। पहले बैट के साइज और शेप पर कुछ भी वो नहीं था, प्रतिबंध नहीं था, किसी भी शेप एंड साइज का बैट यूज़ कर लिया जाता था। लेकिन आज हम किसी भी तरह का शेप एंड साइज का बैट यूज़ नहीं कर सकते, लेंथ डिसाइडेड है, विड्थ डिसाइडेड है। ओके, सो ये कुछ कुछ रूल्स हैं। सर, जैसे आपने बताया कि हॉकी का मैच 90 मिनट्स का होता है और फुटबॉल का भी अलग ड्यूरेशन का होता है, पर क्रिकेट का 5 दिन तक चल सकता है, फिर भी ड्रॉ हो सकता है। सो ये एक डिफरेंस है ये इन तीनों अलग अलग स्पोर्ट्स में। इसके अलावा आप बता सकते हैं क्रिकेट में और बाकी ये जो स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस या क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? ओके, तो जैसे हमने अभी रूल्स के बारे में जाना, हम इस स्क्रीन पर जैसे मैंने ग्राउंड के शेप एंड साइज़ की बात की थी, पहले हम ये जान लेते हैं कि ये भी डिफरेंट होता है। जो हम पहली मैच देख रहे हैं टॉप लेफ्ट में, ये है एडिलेड ओवल, इट्स इन ऑस्ट्रेलिया, ये है ओवल शेप में,
उसके जस्ट नीचे जो हम इमेज देख रहे हैं वह चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, ये है सर्कुलर शेप में। एंड जो राइट में जो हम इमेज देख रहे हैं यह थोड़ी रेक्टेंगुलर शेप में, यह है लॉर्ड्स लंदन, लॉर्ड्स का मैदान है। अब हम आगे जानते हैं कि क्या क्या था, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसा था और ये बाकी सब गेम से कैसे डिफरेंट है। एक तो हमने बात जान ली कि रूल्स इसमें स्टंप्स के, बॉल, बैट का वेट और ग्राउंड का साइज, ये सब डिसाइडेड होता भी है नहीं भी होता है कुछ चीज़ों में। लेकिन ये एक प्री इंडस्ट्रियल स्पोर्ट है, दैट मीन्स कि एक रूरल एरियाज़ में ये इमर्ज हुआ था 1500s में, और 1500s के बाद फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इसमें बहुत सारे फिर चेंजेस आए। अर्लियर क्या होता था कि बाकी सब गेम्स में रूल्स डिसाइडेड होते थे, लेकिन इसमें ग्राउंड का शेप एंड साइज डिसाइडेड नहीं था और रूरल एरियाज में ये खेला जाता था। बाद में जो बैट एंड बॉल थे वो हैंडमेड हो गए, बैट दो विडोज से मिलकर बना, केन एंड विलो से। पैड्स का इंट्रोडक्शन हो गया 1848 में, प्रोटेक्टिव ग्लव्स एंड हेलमेट्स आ गए, और क्रिकेट मैचेस की कोई टाइम लिमिट नहीं होती थी एक्चुअली पास्ट में। जब 1500s में ये गेम स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ इतना होता था कि दो साइड्स, जो दो टीम है, दो बार वो अपनी पारी खत्म करेंगी और जब तक बॉल आउट नहीं हो जाती तब तक वो चलेंगी। दैट मीन्स बहुत टाइम था क्रिकेट खेलने के लिए लोगों को 1500s के बाद। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया तो टाइम की कमी होने लगी, तो टेस्ट क्रिकेट को 5 दिन का कर दिया। लेटर ऑन फिर हम वनडे क्रिकेट में शिफ्ट हुए, वो 1 दिन का कर दिया गया, और अभी तो T20 भी चल रहा है, वो नियरली 3 to 4 hours तक खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी T20 भी 3 to 4 hours बहुत ज्यादा टाइम है कंपेयर टू फुटबॉल एंड हॉकी विच आर ऑफ 90 मिनट्स। राइट, सो अच्छा ये थी डिफरेंस। अभी क्योंकि हम स्टोरी ऑफ क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, क्रिकेट के बारे में और थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा। ओके, क्रिकेट के बारे में हमारे छात्र जानते होंगे, 9th class में पढ़ रहे हैं, कई सारी टीम्स खेलती हैं क्रिकेट, और ये एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया की हर कंट्री नहीं खेलती, ये सिर्फ वही कंट्रीज खेलती हैं जो कि ब्रिटिश कॉलोनीज थी अर्ली में। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका। तो इसके पीछे भी हिस्ट्री है कि कॉलोनीज तक ही क्यों सीमित रहा ये। इसका जवाब ये है क्योंकि ये प्री इंडस्ट्रियल स्पोर्ट है, इसमें वुड का यूज़ ज़्यादातर, आज भी बैट जो है वो वुड के ही बने होते हैं और जो बॉल है वो भी हैंडमेड ही बनाई जाती है। तो क्योंकि ये इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा रिलायबल नहीं था तो एक्सपोर्ट करना इसके इक्विपमेंट्स को ज़्यादा कॉस्टली जाता था, इसीलिए ये सिर्फ कॉलोनीज तक सीमित रह गया। जैसे कि हम जानते हैं आज साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, इंडिया, और अभी तो वर्ल्ड कप भी होने वाला है, इस साल इंडिया में ही है। राइट, तो वर्ल्ड कप होने वाला है और सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो सर, और आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, क्या आप वो एक्सप्लेन करना चाहेंगे? ओके, श्योर मैम। वन सेकंड। सो क्रिकेट, जैसा कि सर आप बता रहे हैं, क्रिकेट सभी बच्चों ने देखा है और आज भी मेरे ख्याल से एक मैच है। जी, अभी लाइव चल रहा है, इंडिया का ही मैच है और 3 o'clock स्टार्ट होना था। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे वो भी देख रहे होंगे हमारे प्रोग्राम के साथ साथ, और क्रिकेट के बारे में इन्फॉर्मेशन साथ में उन्हें मिल रही है। व्हाट कुड बी बेटर देन दैट सर? ओके, तो अभी लोग क्रिकेट देख रहे होंगे, स्टूडेंट्स भी हमारे क्रिकेट देख रहे होंगे, बट क्रिकेट देखने के बाद अगर ये सेशन देख लेंगे तो उनको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स के मन में ये ख्याल आना चाहिए, कभी ये ख्याल आपके दिमाग में आया भी होगा छात्रों, कि ज़्यादातर जो कैप्टन होते हैं वो सिर्फ बैट्समैन ही होते हैं। हम इंडियन टीम को देखें, ऑस्ट्रेलियन टीम को देखें, इंग्लिश टीम को देखें, ज़्यादातर कैप्टन्स बैट्समैन ही बनते हैं और बॉलर्स को कैप्टन कम बनाया जाता है। इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकें, द रिच एमेच्योर्स प्लेड फॉर प्लेजर। तो दो टाइप के लोग थे, एक तो जो कि शौक के लिए खेलते थे, दोज आर कॉल्ड एमेच्योर्स हु प्लेड फॉर प्लेजर, एंड द सेकेंड वन कैटेगरी वॉज द पुअर, दोज आर कॉल्ड प्रोफेशनल, दे प्लेड फॉर अ लिविंग, वो पैसा कमाने के लिए खेलते थे। और इन दोनों को, एमेच्योर्स को कहा जाता था जेंटलमैन और प्रोफेशनल्स को कहा जाता था प्लेयर्स। तो क्योंकि आज सारे के सारे जो भी क्रिकेटर्स हैं उनको प्लेयर्स कहा जाता है, डैट मीन्स ये शौक के लिए नहीं खेलते, इनका काम ही है क्रिकेट खेलना, इनका प्रोफेशन है क्रिकेट खेलना। तो वो जो बैरियर था प्रोफेशनल्स एंड एमेच्योर्स का, वो अब खत्म कर दिया गया है।
और एक चीज और थी कि अलग अलग एंट्रेंस भी होते थे, बैट्समैन का एंट्रेंस अलग होता था, बॉलर का एंट्रेंस अलग होता था, दैट मीन्स अमेच्योर्स अलग तरीके से एंटर होंगे और प्रोफेशनल्स अलग जगह से एंटर होंगे, इतना डिस्क्रिमिनेशन था दोनों के बीच। और स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि आज डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये जो हम दो प्लेयर्स देख रहे हैं, द फर्स्ट वन इज जो रूट, द अर्लियर कैप्टन ऑफ इंग्लैंड, एंड द सेकेंड वन इज जिमी एंडरसन और जेम्स एंडरसन, इट्स अ फास्ट बॉलर इन इंग्लैंड और ये सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाला बॉलर है टेस्ट क्रिकेट में। और जो रूट हमारे फैब फोर में गिने जाते हैं, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, केन विलियमसन और जो रूट, ये फैब फोर है, ये चार महान बल्लेबाज माने जाते हैं अभी करेंट एरा में। एक चीज और है छात्रों यहाँ कि कैप्टेंसी और बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा जेंटलमैन को दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? क्योंकि जेंटलमैन क्या होते थे, रिच एलिट क्लास होते थे, वो प्लेजर के लिए खेलते थे। तो कभी भी अगर ऐसा डिसीजन देना होता था कि बॉलर को भी वो जा सकता है और बैट्समैन को भी जा सकता, तो हमेशा बैट्समैन को प्रेफर किया जाता था। और आज भी आप मैचेस में देख सकते हो कि कोई अगर कैच का थर्ड अंपायर रिव्यू कर रहा है और अगर पता ही नहीं चल रहा कि बॉल ग्राउंड को टच हुई है या कि हाथ में है, तो वो भी बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बैट्समैन को ही दिया जाता है। तो पहले कैप्टन जो होते थे वो भी प्रोफेशनल्स नहीं होते थे इंग्लैंड में, वो सारे के सारे अमेच्योर्स होते थे, द रिच होते थे। और ये सिर्फ 1930 में ही था कि इंग्लिश टेस्ट टीम वॉज लेड बाय प्रोफेशनल, द यॉर्कशायर बैट्समैन लैन हर्टन। तो प्रोफेशनल जो पहला कैप्टन बना वो 1930 में ही बना। 1930 के पहले जब तक क्रिकेट खेला जाता था सारे के सारे बैट्समैन ही कैप्टन बनते थे जो कि रिच क्लास से आते थे। ओके ओके, आई थिंक दिस इज़ अ न्यू इन्फॉर्मेशन। और सर, जो क्रिकेटर्स होते हैं, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर्स हो, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके ऊपर? क्योंकि हम कहते हैं कि जब भी वो कोई भी मैच खेलते हैं तो वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ ईजी और हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर देम नो टू लिव अप टू देयर एंटायर नेशंस एक्सपेक्टेशंस? प्रॉब्लम तो होती होगी इतने सारे क्राउड के सामने, जब पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा हो और आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इंडियन टीम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, कंट्री की एक्सपेक्टेशंस होती हैं और आपको उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना होता है जी। और प्रोफेशन है ये, तो आपका काम है, आपका काम है कि आप कंट्री के लिए 100% दें। आप अगर बॉलर हैं, बैट्समैन हैं या कीपर हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फील्डिंग ही कर रहे हैं, तो फील्डिंग में आप हम देखते हैं कि हर फील्डर अपनी जी जान लगा के बाउंड्री रोकता है, कैच पकड़ता है, स्लिप्स में फील्डिंग करता है। ये किस लिए होता है? क्योंकि वो हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ, अगर हम क्रिकेटर हैं तो क्रिकेटर होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हम वहाँ अपनी एक नेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं। राइट ओके सर, जैसे आपने बताया एक बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं क्रिकेट में, तो हर किसी की टीम अलग अलग होती है? मतलब ऐसा भी होता है कि कोई क्रिकेटर या कोई बैट्समैन ओडीआई के लिए ज़्यादा फिटेड है और कोई टेस्ट मैच के लिए या कोई टी20 के लिए, ये भी होता है? बिल्कुल होता है मैम। एक्चुअली इंडियन टीम में ज़्यादातर ये होता है कि कोई भी प्लेयर होता है तो वो तीनों फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली, रोहित शर्मा, अर्लियर हम देख सकते हैं MS धोनी थे जो कि कीपर थे, इंडियन टीम के कैप्टन भी थे, तीनों फॉर्मेट में कैप्टेंसी थी उनकी। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर प्रोफेशनल्स हैं, मींस टेस्ट क्रिकेटर का अलग प्रोफेशन है, टेस्ट क्रिकेटर वो सिर्फ टेस्ट ही खेलते हैं, कुछ वनडे ही खेलते हैं, कुछ सिर्फ टी20 खेलते हैं। इंडियन टीम में भी हम कई बार हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल चेतेश्वर पुजारा ऐसे बैट्समैन हैं जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, वनडे और टी20 नहीं खेलते। तो फॉर्मेट तक जहां कंसर्न है, तो ऐसा भी होता है कि कई क्रिकेटर्स तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो कि अपना जो उनका स्पेशलिस्ट फॉर्मेट है, फॉर एग्जांपल टेस्ट क्रिकेट, वो उसमें ज़्यादा माहिर होते हैं, उसके बॉस होते हैं। फॉर एग्जांपल हम इन फैब फोर की जो हम बात कर रहे हैं, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली और केन विलियमसन एंड जो रूट, तो ये ज़्यादातर टेस्ट क्रिकेट में रिलायबल हैं अपनी कंट्री के लिए। ओके सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, अभी आपने बताया कि ब्रिटिश कॉलोनीज जो कंट्रीज थी वो ही क्रिकेट खेलती हैं एंड वो आज भी क्रिकेट खेल रही हैं। अब वो कोई भी कंट्री ब्रिटिश कॉलोनी नहीं है, फिर भी उन्होंने ये गेम कंटिन्यू किया, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और क्यों हुई थी, क्रिकेट ही क्यों? ओके एक्चुअली जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि 1500s में रूरल एरियाज में ये गेम इमर्ज हुआ, तो लोगों के पास कई सारा वक्त होता था। तो स्टार्टिंग ऐसी हुई कि दो टीम बट गई, उन्होंने कहा चलो खेलते हैं। तो पहले अर्लियर क्या होता था कि बॉल जैसे आज पिच की जाती है थ्रू दी एयर, पहले ऐसी पिच नहीं की जाती थी, पहले जैसे
आज हम बच्चों को, छोटे बच्चों को जैसे रोल करते हैं बॉल, वैसे रोल की जाती थी। और जो क्रिकेट बैट था वो हॉकी स्टिक की तरह होता था पहले, कि थ्रू द ग्राउंड ही वो उसको मारना पड़ता था बॉल को। तो अर्लियर ये होता था, लेकिन फिर धीरे धीरे चेंज आया और जो क्या कह सकते हैं हम कि बॉल होने लगी, वो एयर में पिच की जाने लगी, उससे कि बैट्समैन और बॉलर को अपनी टेक्निक्स चेंज करनी पड़ी। सो फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा फिर टेक्निकल गेम हो गया ये। और जैसे कि आपने कहा अभी कि ये क्रिकेट कॉलोनीज में ही क्यों आया और इंग्लैंड में ही क्यों इमर्ज हो, तो इंग्लैंड में तो यही जवाब है कि इंग्लैंड के पास बहुत सारा पैसा था, तो लीजर टाइम जिसके साथ ज़्यादा होगा वही क्रिकेट खेलेगा, वही गेम्स खेलता है, जिसके जिसको रोजी रोटी कमानी है वो तो खेलेगा नहीं। अब इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि क्रिकेट रिमेंड अ कॉलोनियल गेम एंड साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, इन कंट्रीज में ये गया क्योंकि ये ब्रिटिश कॉलोनीज थी। और क्रिकेट ने कई सारी कंट्रीज की यूनिफिकेशन में भी मदद की है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो था, इंडिया में अर्लियर इंडियन टीम नहीं थी, 1932 में ही इंडियन टीम पहली बार रिप्रेजेंट की टेस्ट क्रिकेट में। 1932 के पहले अलग अलग जिमखानास थे, मीन्स क्रिकेट क्लब्स थे, पारसीज का अलग था, हिंदूज का अलग था, मुस्लिम्स का अलग था। लेकिन जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ते जा रहे थे तो इन सबको एबॉलिश कर दिया गया क्योंकि नेशनल यूनिटी वहां पर खतरे में आ रही थी। तो इंडियन टीम जैसे 1932 में तो बन ही गई। और वेस्ट इंडीज का भी हम एग्जांपल देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हम स्क्रीन पर अभी इमेज देख रहे हैं, ये क्रिकेट वेस्ट इंडीज का लोगो है, इसमें हम तीन स्टंप्स और पिच देख रहे हैं। तो वेस्ट इंडीज में भी क्लब बनाए गए और क्लब में भी क्या हुआ था कि व्हाइट्स कैप्टन थे अर्लियर, तो जो भी वहाँ व्हाइट लोग रहते थे पहले वो कैप्टन बने, फिर धीरे धीरे शिफ्ट आना स्टार्ट हुआ, फिर वहाँ के जो नेटिव्स थे उनको कैप्टेंसी दी गई। और कैरेबियन में बहुत पॉपुलर हुआ ये गेम, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न था कि 1975 में भी वर्ल्ड कप जीता वेस्ट इंडीज़ ने, 1979 में भी वर्ल्ड कप जीता, लेकिन और आज हम देख सकते हैं कि थोड़ा डाउनफॉल पर टीम चली जा रही है। तो ये कि इंडिपेंडेंस का असर भी रहा क्रिकेट पे, क्रिकेट का भी इंडिपेंडेंस पे असर रहा, और वेस्ट इंडीज़ के यूनिफिकेशन में बहुत ज़्यादा मदद की क्रिकेट ने, क्योंकि जब वेस्ट इंडीज टीम खेलती है तो जितने भी आइलैंड्स हैं वेस्ट इंडीज के, सारे जगह से प्लेयर्स क्लब होके उसमें आते हैं। ओके ओके, कुछ और जानकारी देते हैं हमारे पास सर, आखिरी का एक मिनट है तो थोड़ी सी बात और करते हैं और फिर हम इसी को आगे सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि क्रिकेट के बारे में बहुत सारा कुछ है जानने के लिए और एक प्रोग्राम शायद कम पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे लास्ट, एक मैसेज बच्चों के लिए, कोई सजेशन, कोई और छोटी सी इन्फॉर्मेशन। ओके, मैसेज तो यही है कि आप क्रिकेट खेलिए, क्रिकेट को भी देखिए, और क्रिकेट खेलने के बाद ये चैप्टर जरूर पढ़िए, हिस्ट्री एंड स्पोर्ट्स द स्टोरी ऑफ क्रिकेट, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी और डिसिप्लिन कैसे डिवेलप होता है क्रिकेट के जरिए, इसके बारे में भी हम अगले सेशन में बात करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि डिसिप्लिन की हमने बात की, ग्राउंड्स की, रूल्स की, और कॉलोनाइजेशन और नेशनलाइजेशन का भी क्या इम्पैक्ट रहा क्रिकेट पे, और क्रिकेट का क्या इम्पैक्ट रहा इस पर, कॉलोनाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन पर। तो इस चैप्टर इसी सब के बारे में, और डेली लाइफ में हम क्या क्या सीखते हैं इस सब के पीछे भी हिस्ट्री है, म्यूज़िक, लिटरेचर, इन सब के बारे में हमने बात की। स्पोर्ट्स भी उन चीज़ों में से एक है, तो अगर आपको लगता है कि स्पोर्ट्स की कुछ हिस्ट्री नहीं हो सकती तो आप गलत हैं। हर चीज़ की हिस्ट्री होती है, चाहे आप कुछ खाना खा रहे हो, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, हर चीज़ की हिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल अगर आप गाने ही सुन रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, उसकी भी हिस्ट्री है, क्रिकेट की भी हिस्ट्री है। तो क्रिकेट के बारे में भी जानिए, चैप्टर पढ़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आई एम श्योर बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे ये चैप्टर। और जैसा कि आपने बताया, हर चीज़ की हिस्ट्री होती है, क्रिकेट की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और थैंक यू फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन जो आपने आज हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, एंड थैंक यू सो मच आपने हमें टाइम दिया आज। थैंक यू मैम। थैंक यू आप सभी व्यूअर्स का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत पसंद आया होगा, हमने बात की हिस्ट्री एंड स्पोर्ट द स्टोरी ऑफ क्रिकेट पर। इसी तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। अगला जो प्रोग्राम है वो है मैथ्स का। मैथ्स में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1। तो क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स अपना पेन और पेपर रेडी रखिए, कोई प्रॉब्लम्स हो तो हम तक ज़रूर पहुँचाइए। इस वक्त के लिए ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए ई विद्या
विद्या चैनल्स और जानकारी देना चाहेंगे एनसीईआरटी की किताबों के बारे में। नए अकादमिक सेशन 2023-2024 की किताबें अब पूरे भारत में उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उन्हें डायरेक्टली सेल्स काउंटर से खरीद सकते हैं। सुबह 9:30 बजे से 6 बजे तक ये काउंटर्स खुले रहेंगे। काउंटर्स मौजूद हैं नई दिल्ली में, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता एंड गुवाहाटी में। अगर आप घर बैठे बैठे इन बुक्स का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो ncrtbooks.ncrt.gov.in है हमारी वेबसाइट। अगर आप सॉफ्ट कॉपी यानी कि PDF वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो NCRT दीक्षा ई पाठशाला की वेबसाइट या उसके मोबाइल एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई रियली होप कि आप जल्द से जल्द ये किताबें खरीद लेंगे और पढ़ना शुरू भी कर देंगे। थैंक यू सो मच। मैं हूँ तन्वी खुराना एंड आई विल टेक अ लीव ऑफ यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।